नमस्कार। आज फिर से किरचॉफ लॉ के साथ हम लोग हैं। किरचॉफ लॉ हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार। किरचॉफ के दो नियम हैं, एक है किरचॉफ जंक्शन रूल जो कहता है कि एक जंक्शन के ऊपर में करंट का सम जीरो होगा, और दूसरा है किरचॉफ लूप रूल जो कहता है एक लूप के अंदर में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इन दोनों चीज़ों को मिला जुला करके हम जो कंसेप्ट बनाते हैं उससे हम कोई भी सर्किट सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग किरचॉफ के रूल्स को अप्लाई करते हुए सर्किट को सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप कोई सर्किट देखें क्या करें, सी द सर्किट। आप सर्किट को देखें, डिस्ट्रीब्यूट द करंट, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये क्या मतलब होता है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब होता है भाई? करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है कि कहीं भी किसी भी पॉइंट से करंट एक निकालिए, उसको पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करिए I1, I2, I3 करते हुए, ताकि जंक्शन रूल ब्रेक ना हो। जंक्शन पे ध्यान दीजिएगा। तो जब एक बार करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो अब इसके बाद लूप देखिए, जितने लूप हैं उतने इक्वेशंस होंगे, राइट इक्वेशंस ऑफ लूप, राइट इक्वेशंस ऑफ लूप्स, है ना, और इसके बाद सोल्व द इक्वेशंस। यही स्टेप्स होंगे हमारे सवाल को बनाने के। पहले सर्किट को देखिए, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि जंक्शन रूल ना टूटे, यानी जंक्शन रूल यहाँ इस्तेमाल होगा। इक्वेशन ऑफ द लूप्स लिखेंगे तो आपको लूप लॉ इस्तेमाल होगा, और फिर आपको इक्वेशंस को सोल्व करने। इन चीज़ों को पूरी तरह से बनाने में मेरे अपने अनुभव से लगता है कि स्टूडेंट्स हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, वो चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं या उनमें प्रैक्टिस की कमी रहती है। मिला जुला करके अधिकांश छात्र, मुझे लगता है कि 90% जो छात्र हैं 12वीं क्लास के, वो पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं होते। तो मेरा जो पर्पस है कि मैं आपको इसमें कंफर्टेबल करूँ, भले ही मुझे किरचॉफ लॉ के अलावे अन्य सारे टूल्स भी देखने पड़े, कोई बात नहीं, हम लोग हर स्टेप पर गौर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आसान सर्किट लेते हैं। याद रखिएगा, हर लूप का इक्वेशन होता है और जितने लूप होंगे उतने इक्वेशंस होंगे। तो सबसे पहले छोटे छोटे सवाल लेते हैं जिसमें एक ही लूप होगा। चलिए सवाल को देखते हैं। ये एक प्रकार का एक सर्किट रहा जिसमें कि हम लोगों ने इसको लिखा, 6 वोल्ट, 2 एम्पियर, 6 वोल्ट, 3 एम्पियर लिख रहा हूँ मैं, 2 ओम, 3 ओम और 12 वोल्ट, यही सर्किट है। सर्किट में सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप करंट निकालिए, पहले इसको सोल्व कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल लूप है, सिंगल लूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी सर्किट में करंट दे दीजिए। तो मान लीजिए आपने यहाँ से करंट आई दे दिया, ये आई करंट पूरी हो गई, एक ही करंट ही बनेगी, उसके कैसे भी घुमा के आई दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी दे दें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने करंट दे दिया। अब करंट देने के बाद चाहे किधर से भी आपने करंट घुमाई हो, आपने ऐसे घुमा दिया करंट को, चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आंसर वही होगा। दूसरी बात पर गौर कीजिए कि किसी भी एक पॉइंट से शुरुआत कीजिए, आप यहां से शुरुआत कीजिए, कहीं से भी, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरुआत करके एक चक्कर लगाते हुए वहीं पर आ जाइए। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, सर्किट को आप देख चुके हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, अब आपको इक्वेशन फॉर द लूप्स लिखने हैं। एक ही लूप है इसलिए हम एक ही इक्वेशन लिखेंगे। आइए यहां से उधर चलते हैं। लिखिएगा -6, -2i, -6, -3i, -12 इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पे चले थे और यहीं पर पहुंच गए इसलिए इक्वल टू जीरो लिखेंगे। -2i, -3i होगा -5i, 6 6 12 12 24, -24 इक्वल टू जीरो, -5i इक्वल टू 24, i का वैल्यू आया -24/5 एम्पियर, i का वैल्यू निगेटिव आया, सोल्व हो गया। करंट इतनी है, 14/24/5 है, इसको आप देखेंगे तो आएगा 4.8 एम्पियर माइनस में। अब ये माइनस क्या है भाई, माइनस से घबराइएगा मत। माइनस का मतलब है कि आपने जो करंट एज्यूम की थी ये असल में उल्टी है। ध्यान दीजिएगा कि अगर करंट इधर 5 एम्पियर है, मतलब इधर ही डायरेक्शन है, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्शन दे के कहता हूं कि आई -5 एम्पियर है, इसका मतलब करंट इधर है।
वही हुआ है, करंट हमने ऐसे दिखाया है परंतु वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब कि मैंने जो शो किया है उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट बह रही है, इसका साफ मतलब है कि करंट एक्चुअली ऐसे बह रही है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बह रही है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, करंट जो आपने एज्यूम किया था उसके उल्टी चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे से हमेशा -4.8 ही लीजिएगा। कभी भी जो आंसर यहाँ लाए हैं उसको अपने मन से चेंज करने का कोशिश मत कीजिएगा, करंट -4.8 ही है और उसका डायरेक्शन ये है। इधर की ओर -4.8 करंट का मतलब है इधर की ओर 4.8 करंट, समझ गया। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि अगर क्वेश्चन है कि अगर इस पॉइंट को मैं अर्थ कर दूं तो यहां का पोटेंशियल बताइए। ठीक से ध्यान दीजिएगा, सवाल अगला है, इस पॉइंट को अगर मैं अर्थिंग कर दूं तो इसका पोटेंशियल बताइए। कोई बात नहीं, मैंने साफ कहा है कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट चल सकते हैं, अर्थिंग वगैरह से कुछ नहीं होता। अर्थिंग वगैरह अगर कर दें पहले ही सर्किट में तो घबरा मत जाइएगा, कुछ मत नहीं होगा। पहले आप सर्किट को सोल्व करिए, करंट वगैरह निकाल लीजिए, फिर अर्थिंग पे जोड़ दीजिए। अब यहां पे अर्थिंग है, इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल जीरो है, तो लिखिए जीरो। यहां से यहां चल के दिखाइए, जीरो -12 -6 -2i इक्वल टू वी। आंसर हुआ -18 -2i इक्वल टू वी, -18 -2 इंटू व्हाट इज i, -4.8 इक्वल टू वी। ध्यान दीजिएगा, मैंने i का वैल्यू जबरदस्ती 4.8 नहीं किया है, जो है वही लिया है मैंने। -18 +9.6 इक्वल टू वी, इसलिए वी इज इक्वल टू होगा माइनस 2 में 10 में से 8 गया 2 और 17 में से 9 गया -8.2 वोल्ट। यानी यहाँ पर अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर 8.2 वोल्ट है। इस तरह के सवाल आपको बनाने पड़ सकते हैं। सवाल को इस तरह के पॉइंट्स पे गौर मत कीजिएगा, पहले आप लूप का इक्वेशन लिखिएगा और वहाँ जो स्टेप्स पड़े हुए हैं उनको आप यूज कीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक छोटा सा और सवाल लेते हैं। जब हमने एक लूप वाला सवाल देखा जो कि बेहद आसान था, तो हम लोग दो लूप वाला सवाल भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो लूप लेंगे। अब यहां पे आपको याद हो गया होगा, वीडियो है ये, आप पीछे उसको रिमाइंड करके देख सकते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ था। अब हम लोग दो लूप वाले सवालों पे आते हैं। लीजिए 3 ओम 4 ओम 2 ओम 6 वोल्ट 1 ओम 4 ओम 10 वोल्ट, ये हमने बनाया। इसमें कितने लूप हैं? दो लूप हैं, दो इक्वेशन बनेंगे, पहले ही से प्लान बना लीजिए। चलिए पहला काम वहां पे लिखा हुआ था, पहला काम है सर्किट देखिए। देख लिया, सर्किट के अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं से भी शुरू कर दीजिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप यहां से करंट निकालें बैटरी से, नहीं, कहीं शुरू कर दीजिए। चलिए यहां शुरू करते हैं, यहां से हमने करंट निकाली आई आई, बट यहां तो जंक्शन हो गया, इसलिए मान लीजिए कि करंट आई वन इधर गई तो इधर कितनी जाएगी, आई माइनस आई वन। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कह रहा था, देखिए करंट आई गई उसमें से आई वन इधर निकली तो उधर आई माइनस आई वन बची। आप इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, अंदर जाती हुई करंट आई है और बाहर निकलती हुई करंट के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से आई ही मिल जाएगा। तो अंदर आती करंट आई, बाहर निकलती करंट आई वन आई, तो हिसाब मिल गया आपका। अब आगे बढ़िए, ये आई वन इधर आया और ये आई माइनस आई वन इधर आया, आई माइनस आई वन यहां तक आ गया, फिर यहां आइए तो ये आई माइनस आई वन इधर आया, आई वन इधर से आया, आई माइनस आई वन इधर से आया, ये दोनों मिलकर फिर से आई हो गए। इसको और इसको जोड़ के दिखाइए तो यहां पर फिर इधर आ गए और ये आई आपका इधर आ गया और यहां पर आके हिसाब मिल गया, यहां से आई चला था आई पहुंच गया। ठीक से गौर कीजिए, इसी को कहते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। कहीं से करंट निकालिए उसको घुमा फिरा के डिस्ट्रीब्यूट करते 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 फिर वापस लेते आइए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहां पे आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, जितने लूप हैं उनके इक्वेशंस लिखिए। दो लूप है हमारे पास, लूप के इक्वेशन लिखिए, कहीं से शुरू करके वहीं पे आइए। आइए इस लूप पे ध्यान दीजिए, यहां से चालू कीजिए, लूप नंबर 1 में चल रहा है, यहां से इधर बढ़ेंगे, लिखेंगे बोलिए -4i
माइनस 10 माइनस 4i माइनस 3i इक्वल टू 0। यहां पर पहुंच गए, आंसर होगा माइनस 10i माइनस 8 माइनस 11i माइनस 10 इक्वल टू 0। I का वैल्यू आ गया 10/11 एम्पियर। लीजिए I का वैल्यू आ गया है माइनस 10/11 एम्पियर, मिल गया आंसर, पहले ही I मिल गया। अब हम लोग दूसरे में चलते हैं, इस लूप में आइए। इस लूप में भी हम इस पॉइंट से घूम के यहां पर पहुंचेंगे। आइए बनाते हैं, लिखेंगे माइनस 2 इंटू आई माइनस आई वन, देखिए माइनस 2 इंटू आई माइनस आई वन प्लस 6 माइनस 1 इंटू आई माइनस आई वन प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिख देंगे माइनस 2i प्लस 2i1 प्लस 6 माइनस i प्लस i1 प्लस 10 इक्वल टू 0। सवाल को सॉल्व करना है, i और i1 दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस 2i माइनस i हो गया माइनस 3i, और ये i1 वाला हो गया प्लस 3i1, और हो गया 6 और 10 16 बराबर माइनस 16, 16 उधर चला गया। ये दूसरा इक्वेशन है, तो उस वाले लूप का ये इक्वेशन है, इस वाले लूप का ये इक्वेशन है, इसमें आई का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो माइनस 3 इंटू माइनस 10/11, चेंज मत कीजिएगा कभी भी, जो आया वही रहेगा, प्लस 3i1 इक्वल टू माइनस 16। तो इसको आप मिला देंगे तो आएगा 30/11 प्लस 3i1 इक्वल टू माइनस 16। तो 3i1 आएगा माइनस 16 माइनस 30/11, ये आपको आंसर आएगा 176 माइनस 176 माइनस 30/11 दैट इज माइनस 206/11। 3i1 आया है तो i1 का फॉर्मूला आएगा माइनस 206/33। ये रहा i1, ये वाला करंट है, और ये वाली जो करंट है वो आई माइनस आई वन है। कोई पूछेगा कि 2 ओम से कितनी करंट है भैया, 2 ओम से कितनी करंट है, तो आप उसका जवाब देंगे आई माइनस आई वन, लिखेंगे आई, 2 ओम से करंट होगी आई यानी माइनस 10/11 माइनस आई वन यानी माइनस माइनस 206/33, ये आपकी करंट होगी। कहाँ से करंट बाय 2 एम्पियर माइनस, ये इसको जोड़ दीजिए, जो भी आता हो आप आंसर लिख दीजिएगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा आंसर आया I इक्वल टू आया माइनस 10/11 एम्पियर, और I1 आया माइनस 206/33 एम्पियर आया। क्वेश्चन है मेरा यहां पर, अब और सब्सिडियरी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कुछ भी हो आपको ये काम तो करना ही करना पड़ेगा। पहले ये काम कर लीजिए, सारी लूपों में करंट निकाल लीजिए, और तब इसके बाद अब अगला सवाल मेरा यह है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 वोल्ट सेल। मतलब यहां पे ए पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है, तो आप भी ए माइनस भी बी बताइए, यही सवाल है। इस 10 वोल्ट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है आप सो बताइए। तो गलती मत कर दीजिएगा कि 10 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस 10 वोल्ट है, नहीं, बैटरी के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज तब होगा जब करंट फ्लो ना करती हो, कुछ अन्य चीजें ना हुई हो, इस तरह की बात। तो यहां पे मान लीजिए आपसे कोई, यहां पे करंट फ्लो हुई है, आपको सावधानी रखनी है कि आंसर वो नहीं देना है, सोचना है। पहले लिखिएगा वी ए, शुरुआत कीजिए वी ए माइनस 10 इक्वल टू वी बी, इसलिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। यहां पर 10 क्यों आया, इसलिए क्योंकि इस ब्रांच में कोई रेसिस्टेंस नहीं था। अगर इस ब्रांच में कोई रेसिस्टेंस रहता तो हमें एक दो स्टेप और लेने पड़ते, वी ए माइनस 10 प्लस समथिंग आई आर वगैरह करते, तब आता, तब ये 10 वोल्ट नहीं आता। इसलिए गौर कीजिएगा, सवाल जब आए पूरा कैलकुलेशन करके ही आंसर दिया जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज द वी ए माइनस वी सी, ये बताइए।
चालू कीजिए भी ए से, चालू कीजिए भी ए, यहां चालू कीजिए भी ए प्लस फोर आई प्लस थ्री आई इक्वल टू भी सी। तो भी ए प्लस फोर इंटू आई माइनस टेन बाय इलेवन प्लस थ्री इंटू आई माइनस टेन बाय इलेवन इक्वल टू भी सी। अब भी ए माइनस भी सी निकाल दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम लोग दो लूप वाले किरचॉफ सर्किटों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट और दो लूप तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है, दो लूप के सवालों को बड़ी आसानी से हम लोग बनाते हैं। तो किरचॉफ लॉ से आइए हम लोग एक सवाल और लें। आप तो जानते हैं कि दसवीं क्लास में आपने पढ़ा था रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन। तो रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन को आपने उस समय प्रूव करने की कोशिश की थी। आइए हम लोग जरा सा सीरीज कॉम्बिनेशन एक देख लें, जरा जज कर लें उसको। ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन एक सेल का, यह है R1, यह है R2, यह है R3, एक सर्किट है और यहाँ पे भी है। तो आप जानते हैं कि ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो क्या किरचॉफ लॉ से हम लोग कुछ आइडिया ले सकते हैं इसमें? बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए सोल्व कर देते हैं इसको। तो बताइए क्या करें। सबसे पहले सर्किट देखिए, देख लिया, करंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कर रहे हैं, कहीं से भी करंट दे दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से हमने करंट आई दिया, आई दिया, आई दिया, आई है और यहाँ पे फाइनली आई है। देखिए जरूरी नहीं कि करंट यहाँ से निकले, करंट यहाँ से भी निकाल सकते थे। मैंने पिछले एग्जांपल में आपको करंट यहाँ से करके दिखाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट कहीं से चालू करके खत्म वहीं करिए और हिसाब मिलाना चाहिए, जंक्शन रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो बन गया। अब आपके पास कितने लूप हैं? तो एक ही लूप है, एक लूप के हिसाब से चल के दिखाइए। आइए यहां से चलते हैं, यहां से चलेंगे, आएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री माइनस भी इक्वल टू जीरो। सो भी इक्वल टू आया आई ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सो भी बाई आई इक्वल टू आया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अगर हम इस पूरे के बदले एक ही रेसिस्टेंस लें R, तो उसमें कितनी करंट बहेगी? I। तो क्या हम भी बाई आई को R लिख सकते हैं? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आपने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का वो जो नियम है पॉपुलर, हम लोगों ने कितनी आसानी से यहाँ पर ड्राइव कर लिया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर फॉर्मूला ऐसे डेवलप होता है। कैपेसिटर वाला सीरीज कॉम्बिनेशन याद से देख लीजिएगा, उसका उल्टा आता है, यहाँ पे भूल मत जाइएगा, कन्फ्यूजन शुरू होता है इन्हीं जगहों पर। तो आइए हम लोग शुरू करें कि जब करंट, अब हम समझ गए कि करंट कितनी होगी, ये करंट हो गया, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस बात पर गौर कीजिएगा कि अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है तो क्या बोलिएगा? आई आर वन। यहाँ पर वोल्टेज कितना है? आई आर टू। यहाँ पर वोल्टेज कितना है? आई आर थ्री। ये वोल्टेज हो गए और इन तीनों वोल्टेजेज का सम ये वोल्टेज होगा। यानी कि आपने पाया कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कौन डिवाइड होता है? वोल्टेज डिवाइड होता है। आइए हम लोग वोल्टेज के डिवीजन का कंसेप्ट क्लियर करें। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपके पास तीन रेसिस्टेंसेस हैं, 3 ओम 4 ओम 6 ओम, और मान लीजिए कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमने 65 वोल्ट दिया है। ध्यान दीजिए, ये पूरी सर्किट नहीं है, सर्किट का एक हिस्सा है। 3 ओम 4 ओम 6 ओम का एक कॉम्बिनेशन है, उस पूरे पर हमने 65 वोल्ट दिया है। तो ये 65 वोल्ट यहाँ 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 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, जब वोल्टेज डिवाइड होता है तो वो इन द रेशियो आर वन आर टू आर थ्री डिवाइड होता है। इसलिए यहाँ का वोल्टेज होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का वोल्टेज होगा टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस 6 4 10 3 13 गुने यहां का रेसिस्टेंस। यहां का वोल्टेज होगा टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस इंटू यहां का रेसिस्टेंस। यहां का होगा टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस इंटू यहां का रेसिस्टेंस। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज हमें मालूम हो
तो हम उन जगहों पे अलग अलग वोल्टेज निकाल सकते हैं। पर तो ध्यान दीजिएगा, ये सब तो 10वीं के लेवल की चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने आसान सवाल आपको 12वीं में आने जा रहे हैं। लेकिन एक तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वो जो पहले आपने पढ़ा था वो यही सब था, अगर यह सब पहले पढ़ लेते तो उस समय अभी उतनी दिक्कत नहीं होती। कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये हमारे किरचॉफ लॉ से निकल निकल के इस जगह पर आ रही हैं, याद रखिएगा, कभी काम आ सकता है। इस तरह से वोल्टेज को आप डिवाइड कीजिएगा। अब हम लोग दो लूप को पढ़ चुके हैं, अब जरा तीसरी लूप पे ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरी लूप, तीन लूप वाले सवाल बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, दो ओम, 6 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, कितने लूप हैं? 3 लूप हैं। सवाल को सॉल्व करना है, लूपों से नहीं घबराना है। आइए बढ़ते हैं। अब बोलिए पहला काम क्या करना था? पहला काम करना था कि इनको देखिए। देख लिया, कितने लूप हैं? 3 लूप हैं, यानी आपको 3 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। मन बना लीजिए, इसका इसका इसका। अगला काम, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। करंट को डिस्ट्रीब्यूट कहीं से कर दीजिए, चलिए यहाँ से चालू करते हैं। आई करंट गई, इधर I1 निकली तो उधर I-I1 होगी, इधर I-I1 आई तो इधर I2 निकली तो उधर I-I1-I2 जाएगी, इधर I-I1-I2 जाएगी। ठीक से देख लीजिए, अब ये I-I1-I2 इधर आई, इधर से I2 आई, ये दोनों कंबाइन हो गए और I-I1 बने। इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, और ये I-I1 इधर आया, इधर से I1 आया, दोनों मिल के I1 गए, हिसाब पूरा हो गया। देखिए, कहीं से करंट निकाल के आप सर्किट पूरी कर दें। हर जगह जंक्शन रूल का ध्यान रखा गया है, 5 एम्पियर करंट जा रही है, I1 जा रही है इधर, उधर I2 निकल गई तो उधर बाकी कितनी बची? I1-I2 बची। इसी सिस्टम का उपयोग करते हुए हम लोगों ने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आइए इक्वेशन लिखते हैं। पहला लूप का इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से लिखते हैं -2i, यहां से चालू कर रहे हैं -2i -6 -I1, I1 into 1 है, देखिए ठीक से, -I1 -3i = 0। अब ध्यान दीजिएगा, एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है कि हम लोग ये जो लिखते हैं ना उसको एक ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे I, I1, I2 सजा के लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले I को देखिए, ये हो गया -5i -I1 = 6, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा लूप यहां चालू कीजिए, -2 into I-I1 -3I2 + I1 + 6 = 0, -2I + 2I1 -3I2 + I1 + 6 = 0। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2i को लिखेंगे 2i, फिर लिखेंगे +3I1 -3I2 = -6, ये दूसरा इक्वेशन। तीसरे लूप में आइए, यहाँ पे आइए, लिखेंगे 4 into, माइनस में जाएगा, -4 into I-I1-I2 -6 -2 into I-I1-I2 + 3I2 = 0। हाँ ठीक है, आपको दिख रहा, इसको लिख देंगे -4I + 4I1 + 4I2 -6 -2I + 2I1 + 2I2
प्लस 3i2 इक्वल टू 0। पहले i को चेक कीजिए, 4i माइनस 4i माइनस 2i माइनस 6i। फिर i1 को चेक कीजिए, 4i1 प्लस 2i1 6i1। फिर i2 को चेक कीजिए, 4i2 प्लस 2i2 प्लस 3i2 4 2 6 3 9i2 इक्वल टू, चेक कीजिए यह माइनस 6 और कुछ नहीं है, सो प्लस 6। ये हो गया तीसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा, तीसरा इक्वेशन ये रहा। इन तीनों इक्वेशनों को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको आई आई वन आई टू निकलेगा। अब शुरू होता है असली काम, इन इक्वेशंस को सोल्व कैसे करेंगे। इन इक्वेशंस को सोल्व करने का अब आप अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं, क्योंकि आप इतने भोले अब नहीं हैं। दसवीं क्लास में आपने पाया होगा कि हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। दो वेरिएबल हों तो दो इक्वेशन चाहिए होता है, तीन वेरिएबल हों तो तीन इक्वेशन चाहिए होते हैं। यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, आई आई वन आई टू, तो तीन इक्वेशन है, ये और ये। अब इन तीनों इक्वेशन की मदद से हमें तीन वेरिएबल निकालने पड़ेंगे और इनको आप मान लीजिए आई और आई वन के बीच का इक्वेशन है, तो आप इस दोनों में से आई का वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दीजिए आई वन के साथ, और इसमें से I2 का वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब तीन वेरिएबल होंगे और तीन इक्वेशन होंगे तो थोड़ा सा तो क्यूबर सम हो जाता है, और मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि समस्या यहीं आती है। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन तो ले आ देते हैं परंतु इनको सोल्व नहीं करते। ध्यान दीजिएगा कि CBSE के एग्जामिनेशंस में अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि इनके इक्वेशंस बना दें, तो आप ये इक्वेशंस बना के छोड़ दीजिएगा, सोल्व करना आवश्यक नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि करंट भी बताएं, तब आपको उनको सोल्व करना पड़ेगा। याद रखें, जब जरूरत पड़ेगी तो सोल्व करें, जरूरत नहीं पड़ेगी तो सोल्व ना करें, परंतु क्वेश्चन तो होंगे। अब मान लीजिए इन तीनों करंटों के बाद मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि इस और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखे, तब तो मुझे करंट चाहिए, तब इसके हमें तीनों को सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए अगला जो पार्ट है हम लोग के इस क्लास का, इस वीडियो का जो अगला हिस्सा है, अगले 10-15 मिनट हम लोग इस पे गौर करेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सोल्व कैसे करें, क्योंकि इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना, इसमें से उसमें पुट करना, ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इससे क्या होता है कि आदमी डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए मेरी सलाह आपको है कि हम लोग क्रेमर्स रूल नाम के एक सिद्धांत की मदद से इन इक्वेशंस को सोल्व करें। तो आइए अब हम लोग सीखें क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या होता है? क्रेमर्स रूल अलजेब्रा में आपको पढ़ाया जाएगा, क्या है, कितनी डिटेल उसके अंदर में है, वो मैथमेटिक्स की किताबों में लिखा हुआ है। हमारा पर्पस है कि हम लोग उस रूल की मदद से इक्वेशंस को सोल्व कर लें, बस बाकी से हमें मतलब नहीं है। तो आइए हम लोग इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अलग से 10 मिनट समय दें। जब इक्वेशन सोल्व हो जाएंगे तब हम लोग जोर शोर से एक सवाल बनाएंगे। तो क्रेमर्स रूल ये आपके सिलेबस में है कि नहीं मुझे पता नहीं है, अगर नहीं भी है तो आपको सिर्फ इसको इसलिए सीखना है क्योंकि आपको इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए विशेष काबिलियत देगा। आप तुरंत इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, और वो जो तीन इक्वेशंस चार इक्वेशंस जो निकल के आते हैं किरचॉफ लॉ के अंदर, उनको क्रेमर्स रूल की मदद से आप सोल्व कर सकते हैं, बजाय कि इसका वैल्यू उसमें रखें, उसका वैल्यू उसमें रखें, इस तरह से बहुत देर लगती है, मैं देखता हूं। तो हम लोग क्रेमर्स रूल को सीख लें। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसके इस्तेमाल से सवाल बनाइएगा, अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप अपने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है या कैंसिलेशन मेथड, जो मन आता है आप उससे सवालों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्रेमर्स रूल से सवालों को बनाते हैं। पहला एक वेरिएबल है हमारे पास, एक इक्वेशन है 4a plus 3b equal to 17, और दूसरा है 2a plus b equal to 7। मान लीजिए इसको सोल्व करना है। ध्यान दीजिए कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनमें दो वेरिएबल हैं a b और उनके कोफिशियंट हैं 4, 3, 2, 1। इसको लिखते हैं ऐसे, 4, 3, 2, 1 a b equal to 17, 7। अगर आपने 11th क्लास में मैट्रिक्स पढ़ा है तो आप जानते हैं कि हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ कोफिशियंट पे ध्यान दीजिए, 4, 3, 2, 1 किसके कोफिशियंट्स हैं? ए बी के, इक्वल टू ये वाला हिस्सा 17, 7। जब आप ऐसे लिखेंगे
तो ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग मेन मैट्रिक्स कहेंगे। अब आपको मान लीजिए ए निकालना है, ए बराबर होगा, ऐसे लाइन खींचिए, ये मेन मैट्रिक्स नीचे लिखिए 4 3 2 1। ऊपर क्या लिखना है, ऊपर में इस ए वाली लाइन में इसको रिप्लेस करके लिखें 17 7 और 3 1। ध्यान दीजिएगा ये नीचे लिखा है मेन मैट्रिक्स और ऊपर में मेन मैट्रिक्स में बदल के लिखा हुआ है। क्या बदला गया है, तो इसमें चूंकि आपने ए निकाल रहे हैं तो इसलिए पहली वाली लाइन को हम इससे बदल के लिख देते हैं और दूसरी लाइन को छोड़ देते हैं, इसको बनाएंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, 17 - 21 / 4 - 6 आंसर होगा -4 - 2 = 2। ए का वैल्यू 2 आया। मान लीजिए आपसे कोई बी पूछता है तो क्या करेंगे, बी इक्वल टू फिर से लिखिए, मेन मैट्रिक्स नीचे रहेगा 4 3 2 1, मेन मैट्रिक्स नीचे रहेगा, ऊपर बी वाली लाइन को इससे बदल के लिखिएगा, तो ए वाली लाइन को डोंट टच और 3 1 को बदल के लिख दीजिए 17 7। सोल्व कर दीजिए 28 - 34 this - this / 4 - 6 आया -6 / -2 आंसर 3। ए का वैल्यू 2 आया, बी का वैल्यू 3 आया, हम लोगों ने इस सवाल को बनाया। तो आप कहेंगे कि सर इसके मुकाबले तो मैं उस पुराने मेथड से ही बना लूंगा, आप बना लीजिए बहुत अच्छा, लेकिन इस मेथड से मुझे फायदा ये लगता है, धीरे धीरे जब आप इसी का इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कलम का इस्तेमाल कम है और ये आपको सीधे बी निकालने की परमिशन देता है। उस वाले मेथड में ए निकालना पड़ता है, बी निकालना पड़ता है, एक को कैंसिल कराना पड़ता है, बहुत तरह के झंझट हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही चाहेंगे आप ए का इक्वेशन लिख सकते हैं, आप बी का इक्वेशन लिख सकते हैं। विशेष तौर पर क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल तब होगा जब 3 वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स में भी ये बहुत ही आसानी से काम करेगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीन इक्वेशंस हो जाएंगे तो क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल कैसे करना है, आइए हम लोग सवालों को देख के तय करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप क्रेमर्स रूल को यूज नहीं कीजिएगा, आप अपने मेथड से सॉल्व कीजिएगा, लेकिन जब मैं इसको बताता हूं तो मेरे स्टूडेंट्स इसको पसंद करते हैं। सवाल है 2a + 3b - c = 4, 14, 3a + b - 2c = 6, 4a - 2b + c = 17। ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको सोल्व कीजिए। पहले आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, तो शुरू में लिखना भी पड़ेगा, बाद में नहीं लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए ए बराबर होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ए बराबर होगा, लाइन खींच दीजिए, मेन मैट्रिक्स लिखिए नीचे 2 3 - 1 3 1 2 4 - 2 1, मेन मैट्रिक्स मैंने लिखा, ठीक से देखिए 2 3 - 1 3 1 2 4 - 2 1 लिख दिया। ऊपर भी यही मैट्रिक्स लिखना है, लेकिन ए वाली लाइन को यानी इस कॉलम को इससे बदल के लिखिएगा, तो ऊपर में ए वाले कॉलम को लिख देते हैं और बाकी दोनों को उतार दीजिए 3 1 - 2 - 1 2 1 ऐसे। अब इसको सोल्व करना है, अब जानते हैं कि आराम से सोल्व हो जाएगा, कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, सीधे ये मैट्रिक्स लिखिए और सोल्व कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो मैं आपको बता दूं, ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, अल्टरनेट रोज एंड कॉलम्स निगेटिव होते हैं, तो 14 पॉजिटिव वाला कॉलम है, ये निगेटिव कॉलम है, ये पॉजिटिव कॉलम है, उधर से ये पॉजिटिव रो है, ये निगेटिव रो है और ये पॉजिटिव रो है, तो लिखेंगे आगे, इसको लिख सकते हैं ए बराबर, ध्यान दीजिए 14 into, तो 14 इस रो को और इस कॉलम को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, तो 14 into होगा this - this यानी 1 - -4। 3 वाला कॉलम ऑलरेडी निगेटिव है इसलिए -3 into यहां से लिखिए 6 - 34। -1 into -12 - 17 / इसको लिखिए 2 into
वन माइनस माइनस फोर माइनस थ्री इंटू थ्री निगेटिव है इसलिए माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस एट माइनस वन इंटू माइनस सिक्स माइनस फोर। इसको सोल्व कर दीजिए आपको एक आंसर मिल जाएगा। उस तरह से कोई कहेगा कि बी क्या होगा, तो बी में कुछ नहीं करना है, यहां पे लिखिए बी, नीचे यही मैट्रिक्स रहनी है, लेकिन ये लाइन बदल जाएगी। तो पहली वाली लाइन आपकी नहीं बदलेगी, पहली वाली लाइन टू थ्री फोर ही रहेगी, लेकिन इस वाली लाइन की जगह पे मैं लिख दूंगा फोर्टीन सिक्स सेवनटीन और बी हो गया। सोल्व कर दीजिए बी मिल जाएगा। आपको ए और सी निकालने की हरगिज जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको तीनों निकालने पड़ते हैं अक्सर, इसको इसमें पुट करना पड़ता है, उसको उसमें पुट करना पड़ता है, छह सात बार सब्स्टिट्यूशन लग जाता है। इसमें आप डायरेक्ट बी निकाल सकते हैं, आपको ए और सी से कोई मतलब नहीं है, जो चाहिए वही निकलेगा। थोड़ा सा क्यूबरसम लगता है परंतु उस जोड़ घटाव के मुकाबले यह सस्ता पड़ता है। अच्छा, कोई कहेगा कि सी कितना होगा, तो सी यहां पे सी लिख दीजिए, मेन मैट्रिक्स वही रहेगा, ये मेन मैट्रिक्स वही रहेगा और तीसरी लाइन बदलनी है। थ्री वन माइनस टू में कोई चेंज नहीं होगा, तीसरी लाइन बदल जाएगी, तीसरी लाइन के बदले आएगी फोर्टीन सिक्स सेवनटीन। सोल्व कर दीजिए सी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्रेमर्स रूल में तीन इक्वेशंस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अब इस क्रेमर्स रूल के साथ, इस मेथड के साथ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन ले लें अपनी कॉपी में, उसको अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें और उसको क्रेमर्स रूल से सॉल्व करें, दोनों को मैच करें और मैच करके ये तय करें कि आपको इस मेथड से काम करना है या उस मेथड से काम करना है। ऐसे दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप होम इन हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग एक सवाल लेते हैं और उसको क्रेमर्स रूल से बनाने की कोशिश करेंगे। टू वोल्ट 16 ओम 8 ओम 5 वोल्ट 4 ओम 6 ओम 5 ओम 21 वोल्ट 1 ओम। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस लूप में करंट कितनी है, बस बाकी लूप से मेरी दिलचस्पी नहीं है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला काम, क्वेश्चन को देखिए, हमने देखा। दूसरा क्वेश्चन है लूप कितने हैं, तीन, हमें कितने इक्वेशंस लगाएंगे, तीन, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब यहाँ पे आइए तो यहाँ शुरू कर दीजिए, करंट यहाँ आई 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 वन और इधर जाएगा आई माइनस आई वन, इधर से आई माइनस आई वन आएगा। अब ध्यान दीजिए, इधर आई माइनस आई वन गया, इधर आई वन है और इधर से मान लीजिए आई टू आया, तो इधर जाएगा आई माइनस आई वन माइनस आई टू, इधर i माइनस आई वन माइनस आई टू होगा, इधर से i माइनस आई वन माइनस आई टू होगा, इधर से i टू आया, दोनों जुड़ जाएंगे i माइनस आई वन माइनस आई टू। ठीक से ध्यान दीजिए, इधर से आया i माइनस आई वन माइनस आई टू, इधर से आया i टू, इधर से आया i वन, सब मिलके i i हो जाएंगे, ये i आके यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से हमने देखा जंक्शन पूरा हो गया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। अब आप इक्वेशंस को लिखना शुरू कर दें, सवालों को इसको सोल्व करेंगे हम लोग। अब चलिए हर लूप में घूमते हैं, चलिए इस पे घूमते हैं, चलिए चलो कि यहां से, ठीक से ध्यान दीजिएगा, प्लस 21 माइनस 5i माइनस 6i1 माइनस 12i इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, सजाते समय i i1 i2 को ठीक से लिखिएगा। तो i को लिखिए सबसे पहले माइनस 17i माइनस 6i1 प्लस 0i2 इक्वल टू माइनस 21, इसको सजा दिया हमने i i1 i2 और माइनस 21। फिर से चालू कीजिए, अब इसमें आइए, फिर से लिखिएगा माइनस 4 इंटू आई माइनस आई वन माइनस 5 माइनस 8i2 प्लस 6i1 इक्वल टू 0। ठीक से लिख दीजिए, माइनस 4i प्लस 4i1 माइनस 5 माइनस 8i2 प्लस 6i1 इक्वल टू 0। पहले i को देखिए तो है कि नहीं, हाँ i है, माइनस 4i। अब i1 को चेक कर लीजिए तो हो गया प्लस 10i1
फिर -8i2 = 5, ये दूसरा इक्वेशन। तीसरे लूप में आइए, यहां से चालू करके उधर घूमेंगे, मैं हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमता हूं, यहां से घूमिए, +8i2 - 16 × i - i1 - i2 + 2 = 0, 8i2 - 16i + 16i1 + 16i2 + 2 = 0। पहले i को लिखिए -16i, फिर i1 को लिखिए +16i1, फिर i2 को लिखिए +24i2 = -2। ये रहा तीसरा इक्वेशन। आपने देखा हमने तीनों इक्वेशंस को लिखा i i1 i2 i i1 i2 i i1 i2, ऑर्डर गड़बड़ मत कीजिएगा, i i1 i2 i i1 i2 i i1 i2। अब आप चाहें तो इसको अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करके बना सकते हैं, तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके i निकाल दीजिए, i आपसे पूछा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ i कैसे निकालेंगे, तीनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। आई बराबर होगा मेन मैट्रिक्स लिखिएगा -17 - 6 0, यहां लिखिएगा -4 - 10 - 8। अगर आपको लग रहा है कि अजीब सा, तो आप ऐसा करें तीनों को एक जगह लिख लें, आपको आसानी होगी, मुझे तो दिख रहे हैं वो -16 + 16 = 24, ये हो गया आपका मेन मैट्रिक्स। अगली बार फिर से यही मैट्रिक्स लिखना है, परंतु ये लाइन बदल देनी है इनसे, यानी होगा -21 - 5 - -2, और बाकी सब वही रहेगा -6 - 10 - 16 - 0 - 8 - 24। इसको अगर आप सोल्व कर देंगे तो i का वैल्यू डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो 2 एम्पियर के आसपास आता है। ठीक है, एक बार आपको बता दूं मैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको भी लिख देता हूं मैं। आएगा -21 × 240 - -8 = 14, 8 × 48 = 12 हो गया, फिर -6 × 120 - 16 + 0 / यहां पे चलिए -17 × 240 - 128, दो बार आ जाएगा -128, दो बार माइनस है यहां, -6 = 24 * 96, -16 × 8 = 48 और 12, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और फिर 0। इसको सोल्व कर दीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ i, मैंने इसको सोल्व किया था, 2 एम्पियर आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो आप इधर से उधर करते हैं उसको, उसके बजाय ये मैट्रिक्स लिखें और शांतिपूर्वक आप सीधे i का वैल्यू निकाल दें। अगर आपको मन है तो सीधे i1 निकाल सकते हैं, सीधे i2 निकाल सकते हैं। तो मैं पर्सनली इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करता हूं, परंतु आपको पूरी छूट है कि इस इक्वेशन को लिखने के बाद अपनी मर्जी से सोल्व करें। याद रखें कि फिजिक्स के टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि मैं आपको ये इक्वेशन लाने सिखा दूं। इनको सोल्व करने का मेथड आपका चॉइस है, आप उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, कंसिलेशन मेथड से करें, क्रेमर्स मेथड से करें, जैसे मन वैसे आप इनको सोल्व करें। और जब आप इनको सोल्व कर देंगे आई आई वन आई टू मिल जाएगा, तो आपको जब ये सभी करेंट्स मिल जाएंगी तो कहीं से कहीं जब जाते हैं जो मेथड हम लोगों ने सीखा था उसमें आप कहीं से किसी भी पॉइंट का वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किरचॉफ्स रूल के अंदर किस तरह से सिंगल लूप के सवालों को सोल्व किया जा सकता है। ज़्यादा लूप्स होते हैं, जैसे 2 लूप आ सकते हैं, तो क्या करें,
आसान रहता है। जैसे तीन लूप आते हैं सिरदर्द बढ़ जाता है क्योंकि तीन इक्वेशंस आ जाते हैं साइमल्टेनियस, उनको सोल्व करने दिक्कत की बात होती है। तो तीन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमने आपको क्रिमर्स रूल सिखाया। चूंकि आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस बात के 99% चांस है कि आपने क्रिमर्स रूल को पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट को पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप आराम से आंसर ला सकते हैं। तो आपकी चॉइस, आप चाहे जैसे सॉल्व करें। किरचॉफ लॉ जो था उसको हम लोगों ने देखा। नाउ अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सर ये काफ़ी क्यूबरसम है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, I1 होता है, I2 होता है, कुल मिला जुला करके हर स्टूडेंट अलग होता है, हर एक का दिमागी जो स्ट्रक्चर है, जो उसका थिंकिंग पैटर्न है वो अलग होता है। और अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि ये वाला मेथड काफ़ी कठिन है, इसलिए हम लोग एक और अल्टरनेटिव मेथड लाएंगे। आपको अगर पसंद होगा तो आप उसको यूज कीजिएगा। दोनों मेथड, ध्यान दीजिएगा, लॉ सेम है, एक ही लॉ को दो तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिकली आप उनको अलग तरीके से लिख सकते हैं, सोल्व करना ही पड़ेगा। तो मैं अगले वीडियो में फिर से एक आपको अल्टरनेटिव मेथड दूंगा। अगर आपको पसंद है तो आप ये वाला यूज कर लीजिए, अगर आपको पसंद ना है तो आप वो वाला यूज कर लीजिए। दोनों बताने के बाद मुझे लगता है कि जहाँ पे आपकी दुखती रग है वो समस्या थोड़ी सी दूर होगी। जब आपके पास अल्टरनेटिव्स होंगे तो आप उनमें से अपनी पसंद का अल्टरनेटिव चुन के सवाल को बना सकेंगे। तो चलिए, जब तक हम लोग फिर मिलें तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ये टॉपिक प्रैक्टिस का टॉपिक है। थैंक यू।